बिलासपुर शहर में शिव मंदिर के समीप एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी बालिया ने विशेष रूप से शिरकत की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और नगर परिषद के साथ सहयोग करने की अपील भी की। आपको बता दें कि नगर परिषद बिलासपुर ने शहर के सभी 11 वार्डों में घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी है, जिसके तहत लोगों को गीला और सूखा कूड़ा देने के लिए दिन तय किए गए हैं। विडंबना है कि लोग अभी भी गीला और सूखा कूड़ा गाड़ी को नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते नगर परिषद प्रशासन ने अब जन जागरण अभियान के तहत जनता को जागरूक करने का निर्णय लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि गाड़ी को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें। अब तो रोजाना भी ऐसा संभव होगा, क्योंकि गाड़ियों में अलग अलग व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में स्वच्छता कमेटियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ आज हमारे वार्ड की एक मीटिंग थी स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में एक मीटिंग भी हमने की है, जिसके बीच में भी हमने जन औषधि केंद्र का प्रचार प्रसार किया है और लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया है कि किस तरीके से हमें अपना जो कूड़ा करकट है वो जो सूखा कचरा कैसे देना है और गीला कचरा कैसे देना है, जो कि डोर टू डोर कलेक्शन वाले हमारे आदमी आते हैं उनको वो लोग जो कूड़ा है वो अलग अलग से छांट करके देंगे। उसके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे एक और किया गया और एक कमेटी का गठन किया गया है कि वो कार्य, ये जो सारा कार्य है स्वच्छता अभियान का है, इसके ऊपर वो पूरी निगरानी रखेगी वो कमेटी, और हर एक आदमी के ऊपर निगरानी रहेगी कि वो अपना घर का जो कूड़ा है वो हमारा जो नगर परिषद का जो आदमी आता है उसी को वो कूड़ा कचरा दिया जाए और अलग अलग करके दिया जाए। बिलासपुर शहर की सभी 11 वार्डों में स्वच्छता कमेटियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी शामिल हैं। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी बालिया ने बताया कि महिलाएं अपने अपने वार्डों में लोगों को कूड़ा गाड़ी को गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग देने के प्रति जागरूक करेंगी। इस कार्य की एवज में उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वार्डों में जो है वो स्वच्छता कमेटियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें हम अपने वार्ड से सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज और साथ में अन्य लेडीज को मिलाकर के एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो कि स्वच्छता के तौर पर स्वच्छता में कैसे सेग्रीगेशन घर के लेवल पे करनी है उसके बारे में उनको एजुकेट करेंगे लोगों को, और लोगों से को बताएंगे कि किस तरह से जो है हम अपने कचरे को अलग अलग करके रखेंगे। ताकि इस तरह का हमने ये प्रयास इसलिए किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा प्रचार प्रसार शहरों में किया, लेकिन कुछ तरह का कोई हमारे को परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे कि हमारा सेग्रीगेट कचरा नहीं हो रहा था। तो अब हमने स्वच्छता कमेटियों का गठन कर रहे हैं ताकि वो महिलाओं को जिम्मेवारी हम दे रहे हैं कि वो वार्डों में जाके जब हमारी कचरे की गाड़ी आती है तो महिलाओं को और लोगों को एजुकेट करेंगे कि कचरा इस शेप में देना है। वो महिलाएं अगर बोलेंगी टोकेंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर हम लोग जो है सेग्रीगेशन पर जो है कर पाएंगे, सही ग्रुप से सेग्रीगेशन करवा पाएंगे। नगर परिषद उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा इसमें? जी बिल्कुल, अगर लोग इसके बावजूद नहीं समझते तो उसके बाद हम जो है एक्शन लेंगे और हम उनका चालान करना शुरू करेंगे जो वायलेट है। एच टुडे के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।